नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे भैरव जी की खप्पर सिद्धि के बारे में। खप्पर सिद्धि का जो मंत्र है ये पूरी तरह से एक शुद्ध शाबर मंत्र है और इसकी सिद्धि करने के बाद में आपको भैरव जी की विशेष रूप से कृपा प्राप्ति होती है। उनकी अलग ही तरह की सिद्धियों की प्राप्ति होती है जिसका वर्णन जो जिन लोगों को प्राप्त है वो लोग भी नहीं बताते हैं, लेकिन रक्षा के मामले में इनसे बेहतर नहीं है कोई खप्पर सिद्धि से। और साथ ही साथ आप को जो है दुर्लभ तरह की सिद्धियों की प्राप्ति होती है जिनके बारे में वर्णन या विवरण भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह की जो साधनाएं होती हैं वो बड़ी विचित्र तरह की होती हैं। इनका संबंध विशेष प्रकार की सिद्धियों से होता है। जो सिद्धियाँ गुरु परंपरा में ही केवल गुरु और शिष्य को ही पता होती हैं और किसके अलावा और किसी को भी इनके बारे में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है, जान नहीं पाते हैं लोग कि क्या है, और इनका वर्णन किताबों में भी नहीं मिलता है। तो खप्पर सिद्धि के बारे में ही आज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ साधना की नियमावली है जो जान लीजिए, उसके आधार पर ही साधना कीजिए और सहज रूप से उस तरह से करेंगे तब आपको सरलता से आपको इनकी सिद्धि मिल जाती है। तो सबसे पहले भगवान भैरव के बारे में जानते हैं। भैरव जी के बारे में सभी जानते हैं कि ये शिव जी का अवतार इनको माना जाता है और विष्णु के अंश के रूप में भी माने जाते हैं। और कहते हैं कि माता दुर्गा की साधना करनी हो या देवी साधना करनी हो वहाँ पर भी भैरव जी की उपासना आवश्यक मानी जाती है। उसे अच्छा ही माना जाता है कि अगर वो कर लिया जाता है तो फिर आपकी साधना में कोई आपकी मंत्र शक्तियों को जो है चुरा नहीं सकता, इसलिए भैरव साधना को विशेष महत्व दिया जाता है। भैरव साधना के प्रति जो लोगों में भ्रम या भय है वो भी हटा लेना चाहिए और सरल रूप से ये साधनाएं हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि भैरव जी के साथ में बहुत सारी तामसिक शक्तियां जुड़ी हुई होती हैं, इस वजह से आपको अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं जो भय पैदा करते हैं, या यूँ कहिए कि आपके मन का भय नष्ट करने के लिए ही वो शक्तियाँ आती हैं। तभी क्योंकि ऐसी शक्तियों को आप जब देखते हैं तो आपको भय पैदा होता है, और लेकिन धीरे धीरे जब उनके साथ आप जुड़ने लगते हो तो आपके मन से भय और क्या कहते हैं कि अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल एक बहुत ही हाई हो जाता है भैरव साधना वाले करने वाले व्यक्ति का। तो इसलिए उसको फिर हराना, उसको रोकना, उसके जो क्रियाएं हैं उसको संभाल लेना कोई दूसरे और किसी के बस की बात नहीं रहती है। भैरव साधना सकाम्य साधना बोली जाती है, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ। कहने का मतलब ये है कि कामना के साथ ही भैरव साधना की जानी चाहिए। भैरव जी की जो पूर्ण शुद्ध सात्विक साधना है उसमें केवल आप उसको छोड़कर बाकी ज़्यादातर भैरव साधनाएं सकाम में साधना होती है, और कोई कामना रख करके ही साधना करनी चाहिए कि मैं आपकी सिद्धि के लिए कर रहा हूँ या फिर आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, या फिर आप कुछ भी ऐसा भाव रख सकते हैं विशेष रूप से। और ये साधनाएं हमेशा ध्यान रखिए कि रात को करनी चाहिए। हम भैरव जी की साधना रात के लिए अच्छी मानी जाती है। रंग के रूप में काला रंग विशेष रूप से भैरव को प्रिय है और भैरव साधना में काले रंग का ही प्रयोग हर चीज़ में करना चाहिए। शराब वगैरह जो अर्पित किया जाता है अगर आप तामसिक साधना कर रहे हैं तभी कीजिए, वरना इन सब चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए भैरव साधना में। क्योंकि आप अगर मांस चढ़ाएंगे और शराब चढ़ाएंगे, शराब तो एक प्रकार से चढ़ाने पर तो आप ठीक है, लेकिन आप मांस चढ़ाने लगते हैं फिर उसमें क्यों, फिर वो तामसिक रूप ले लेती है। शराब तो राजसी रूप में पिलाई जा सकती है लेकिन तामसिक रूप में आपको मांस भी देना पड़ता है। तो वो असल में शिव स्वरूप भैरव जी जो हैं वो स्वयं नहीं ग्रहण करते, उनके चेला चापड़ आके ग्रहण करते हैं, यानी कि भूत प्रेत पिशाच वही आपका काम करते हैं। केवल मंत्र जो होता है भैरव जी का होता है, इसलिए वो तामसिक साधनाएं जल्दी सफल हो जाती हैं। लेकिन वास्तविकता में आपको राजसी साधना ही भैरव जी की करनी चाहिए और वही सबसे उत्तम भी मानी जाती है। क्योंकि सात्विक साधना में आपको भैरव जी को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, लेकिन राजसी साधना में जल्दी उनकी सिद्धि होती है। ना सिर्फ सिद्धि जल्दी होती है बल्कि आपकी मनोकामना इच्छा भी पूर्ण होती है और आपका जो परलोक है वो भी नहीं बिगड़ता है तामसिक साधनाओं में, क्योंकि आप साथ भूत प्रेत पिशाच वगैरह ये सारी शक्तियाँ भी जुड़ जाती हैं उनके मंत्र के माध्यम से। तो फिर आपके लिए आपको अपना अलग से इष्ट मंत्र की सिद्धि करनी आवश्यक है, नहीं तो फिर अपने आपको वो शक्तियाँ अपने लोक में खींचने की कोशिश करती हैं। जैसे कि अब पूजा की बात की जाए तो भैरव जी की जब पूजा हमेशा करें तो रविवार के दिन जो उन्हें अगर भोग देना है आपको तो खीर देनी चाहिए, सोमवार के दिन
मोदक एक प्रकार का लड्डू होता है उसको देना चाहिए। मंगलवार को घी गुड़ से बनी हुई लापसी देनी चाहिए। बुधवार को दही चिवड़ा देना चाहिए। गुरुवार के दिन बेसन के बने लड्डू देने चाहिए। शुक्रवार को भुने हुए चने। और शनिवार का अगर दिन साधना शुरू करते हैं तो उड़द के दाल के पकौड़े देने चाहिए। इसके अलावा हम जलेबी है, सेब है, तले हुए पापड़ हैं, इनका भी नैवेद्य इनको लगा सकते हैं। इसके अलावा भैरव साधना में अगर आप काले कुत्ते को रख करके साधना करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। उसको आप भोजन कराते रहिए। अगर कोई काला कुत्ता है, एक रंगा काला कुत्ता होना चाहिए जो पूरी तरह से ब्लैक हो, तो उस तरह से अगर साधना करेंगे तो आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलती है, क्योंकि वाहन है उनका, इस वजह से आपकी काफ़ी सहायता उसमें मिलती है। कहते हैं भैरव की पूजा के बाद प्रसाद को उसी स्थान पर पूजा के बाद ग्रहण कर लेना चाहिए और पूजा स्थान से बाहर नहीं ले जाया जा सकता है, कहते हैं ऐसा। तो संपूर्ण प्रसाद उसी समय पूर्ण कर लेना चाहिए और जितना भी प्रसाद बाकी बचे तो आप काले कुत्तों को भी खिला सकते हैं। भैरव साधना में आपको तेल के दीपक का प्रयोग करना चाहिए और गुग्गल और की धूप अगरबत्ती जलानी चाहिए। इसके अलावा उनके यंत्र मंत्र का भी ध्यान रखना चाहिए। अगरता आपको माला, सर्वकालिक प्रसिद्ध माला जिसे कहते हैं रुद्राक्ष की माला, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष की माला अगर नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से केवल एक ही माला उनकी साधना के लिए प्रयोग की जाती है, वो है काली हकीक की माला। जो काली हकीक कपड़े भी आप जब भी साधना करेंगे तो काले रंग के ही पहनेंगे, जिससे आपको लाभ मिलेगा। और आपका जो आसन होगा वो काले कंबल का होगा, या फिर आप काले भैंसे की चरण पर भी बैठ के साधना कर सकते हैं, लेकिन वो विशेष तरह के प्रयोगों में की जानी चाहिए। सामने तेल का दीपक जलाते हैं और साधना करें तो ये जो भी साधना आप करते हैं तो उसमें अखंड तेल का दीपक जलाना चाहिए। और अगर नहीं जला सकते हैं तो आपको जितनी देर साधना चले उतनी देर आपका दीपक जलता रहना चाहिए। एकांत और अकेलेपन में ही साधनाएँ करनी चाहिए, और क्योंकि अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, अगर आप परिवार के साथ रह के करेंगे तो थोड़ा सा उसमें समस्या आ सकती है, क्योंकि उन लोगों को भी अनुभव होने लगेंगे, वो डरने लगेंगे फिर, तो फिर आपकी साधना नहीं हो पाएगी। तो आज मैंने जैसे खप्पर सिद्धि के बारे में बात किया, तो उसका जो साधना है इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो मंत्र है काफ़ी बड़ा मंत्र है और ये शाबर मंत्र है, इसकी आपको एक माला करनी है, एक माला। और आपको इस प्रकार इसकी 31 दिन तक साधना करनी है। 31वें दिन में आपके इसके आगे आप हवन भी कर सकते हैं, आदेश शब्द के आगे स्वाहा लगा करके आप इसको पूर्णतः एक बार मानते हुए आप इसका हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब उनका हवन कर लेंगे तो आपको सिद्धि मिलती है। काले तिल से हवन करेंगे आप, सीधे सीधे काले तिल जो हैं उसमें यज्ञ कुंड के हवन में आप डालेंगे सुकरी मुद्रा बनाते हुए। तो इस प्रकार से सहज रूप में इनकी साधना होती है। सिद्धियां किस प्रकार की प्राप्त होंगी ये आपके और उनके बीच की बात होती है। तो जान लेते हैं मंत्र क्या है। तो मंत्र इस प्रकार से होगा, सतनाम आदेश गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी खप्पर धरती खप्पर आकाश, खप्पर तीन लोक में करे निवास, पहला खप्पर ओंकार का, दूसरा खप्पर सिद्धों का, तीसरा खप्पर धरती सारी, चौथा खप्पर की ज्योति, प्रकाश कौन खप्पर आटे घाटे, कौन खप्पर ब्रह्मा बाटे, कौन खप्पर खाए खीर, कौन खप्पर उधारे शरीर, चांदी खप्पर आटे घाटे, सोना खप्पर ब्रह्मा बाटे, जहरी खप्पर खाए खीर, मिट्टी खप्पर उद्धारे शरीर, खप्पर में खाए मसान में लेटे, काल भैरव की पूजा कौन मेटे, राजा मेटे राजपाठ से जाए, योगी मेटे योग ध्यान से जाए, प्रजा मेटे दूध पूत से जाए, काल भैरव कपले केश, गुरु का बाल का करता फिरे अलेश, अलेश काला पीला तोतला, तीनों रहे पाताल, मस्तक बिंदी सिंदूर की, हनुमान भैरव योद्धा करें रक्षपाल, नाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश। तो इस प्रकार से ये जो मंत्र है इस मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र की सिद्धि के लिए आपको एकांत स्थान पे, जहाँ पर भी लोगों का जन सामान्य भी लोग नहीं वहाँ पर रहें, वहाँ पर उनकी जो मूर्ति है उसकी आप स्थापना कर लीजिए भैरव जी की। और अगर भैरव जी की मूर्ति नहीं रखते हैं तो आप भैरव जी का यंत्र वहाँ पर रख सकते हैं, यंत्र के सामने भी आप स्थापित करके एक जो सरसों के तेल का दीपक है उसको जला लीजिए, और उसको जलाने के बाद में फिर अपने गुरु का पूजन कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए, भगवान शिव का पूजन कीजिए, और फिर आप बटु भैरव जी के की कर सकते हैं साधना, या किसी और स्वरूप में भी इनकी साधना कर सकते हैं।
कोई भी रूप स्वरूप ले लीजिए भैरव जी का, उनके रूप में भैरव जी की साधना आप यहाँ पर कर लीजिए। और इस तरह से खप्पर सिद्धि के लिए ये मंत्र जपा जाता है और फिर आपको खप्पर की सिद्धि होती है। खप्पर की सिद्धि अद्भुत चमत्कारिक है। मैं पहले कह चुका हूँ कि ये गुरु और शिष्य के बीच की बात है, उसको किस प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, अलग अलग तरह की अद्भुत शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं जो सामाजिक चीज़ों से बिल्कुल अलग हटके हैं और अद्भुत तरह की सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं अगर आप इसकी एक माला रोज करते हैं। और जो लोग बहुत समय तक इसकी करते रहते हैं उन्हें अलग अलग तरह के गोपनीय ज्ञान, गोपनीय सिद्धियाँ, गोपनीय लोगों का विवरण विचरण और गोपनीय अद्भुत नज़ारे उन्हें दिखाई देते हैं जो साधारण मनुष्य के लिए देखना संभव नहीं है, वो सब चीज़ें उनको नज़र आने लगती हैं। तो इसलिए इस साधना से आप अपना लाभ उठा सकते हैं, कर सकते हैं, योगी गुरु से साधना ले सकते हैं। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को भी गुरु मानकर खप्पर सिद्धि की जा सकती है। और शाबर मंत्रों में कोई भी साधना आप कर सकते हैं, बशर्ते आपका इष्ट मंत्र अच्छी तरह से आपने जपा हो, सिद्ध किया हो, तो आप शाबर मंत्रों को कर सकते हैं, क्योंकि शाबर मंत्रों के लिए विशेष रूप से गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए आप कोई भी साधना इनकी शाबर मंत्रों की कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रखिए कि आपका इष्ट मंत्र या गुरु मंत्र पहले से जपा हुआ होना चाहिए, ताकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा हो कि आप होने वाले विशेष प्रकार के प्रभावों से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। खासतौर से आप कभी कभी भूत प्रेत पिशाच आपके शरीर पर हावी होने की शक्ति धारण करने लगते हैं और आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो आपके पर अगर गुरु मंत्र नहीं है, इष्ट मंत्र नहीं है, तो फिर आप प्रॉब्लम में या समस्या में आ सकते हैं। और भैरव जी के आने से पहले ही आप उन भयंकर शक्तियों का सामना करना पड़ेगा जो आपको साधना से हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको साधना करनी है और आप अपने लिए योग्य सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। जितना हो सके उतने दिनों हर प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन रखें और मन वचन कर्म से हर प्रकार से कार्यों को कर संपादित करें, तभी आपको सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी और भैरव साधनाएं शीघ्र संपन्न होने वाली और निश्चित रूप से सफलता दिलाने वाली होती हैं। विशेष कामना के लिए भी की जा सकती हैं अथवा विशेष प्रकार की सिद्धियों के लिए भी आप इन साधनाओं को कर सकते हैं। तो ये थी आज श्री भैरव जी की खप्पर सिद्धि साधना। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।